मैंने तो हाँ सब पब्लिक दी वोट नू तो हम दे दे मोदी लेखा सरकार ना रही तब ले ये हम गुलाम हो गए रहती सब। मोदी के शासन काल में विदेश नीति सफल रहा है लेकिन अंदरूनी इंटरनल जो मामला है वो काफी फेल रहा है। मोदी जी फेलियर फेलियर है एकदम। हम कहते हैं मोदी विरोधी हैं। बहुत कोई बोलता है कि राम मंदिर से हम लोग युवा हैं, हम लोग का कोई रोजी रोटी नहीं चलेगा। कोई गवर्नमेंट हमने से कोई मतलब नहीं, बस चाहिए कि मतलब विकास हो। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, HTV न्यूज पर आप देख रहे हैं चुनाव चौपाल, और चुनाव चौपाल की गाड़ी इस वक्त पहुंच चुकी है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के नरकटिया में। नरकटिया बाजार में हम हैं इस वक्त, और यहाँ चुनाव चौपाल की शुरुआत में हम आपको ये बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में टोटल कुल 2,85,000 मतदाता हैं जो विभिन्न जो कैंडिडेट हैं उनके भविष्य का फैसला करेंगे। और इन 2,85,000 मतदाताओं में 4 ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर के मतदाता हैं, और उन 4 में से एक इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आज के चुनाव चौपाल की शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जी। दीपक जी, ये बताइए कि आप जिस ये थर्ड जेंडर के रूप में कुल 4 लोग हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, उनमें से एक आप हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है इस बार चुनाव के बारे में? तहाँ हमारा देवे वोट तहाँ दे दिल जाए, जहाँ देना होगा वोट दे दीजिएगा, लेकिन मन में तो होगा ना किस तरह की सरकार बनाना है। मैंने तहाँ सब पब्लिक दी वोट नू तो हम दे दे पब्लिक ऊपर बा, पब्लिक खुश रही तो हम खुश रहे, पब्लिक दुख रही तो हम दुखी रहे। पब्लिक तहाँ वोट दी तो हम वोट दे देवे, हमारे वोट से कथी मतलब बा। तो नेता अलग अलग तरह के होते हैं, है ना, पब्लिक अलग अलग तरह के लोगों को वोट देती है, तो आप किस प्रत्याशी को दीजिएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, या फिर चिराग पासवान, या इतने सारे जो कैंडिडेट हैं? रोग बताए कौन सब आयल बंद वही सब हम बोले टीवी चैनल से हैं। हम आपका विचार जानने के लिए आए हैं कि आपके नज़र में कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे बढ़िया? मैंने रोगा कहाँ से आयल बानी, मैंने कौन ककरा वोट देवे, कौन मंत्री हन, मोदी सरकार हन की हो, लालू यादव हन? हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम टीवी चैनल से हैं, मीडिया से हैं। तो हम आपका विचार जानने के लिए हैं आपके पास कि आप जो है किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं सरकार में? सरकार में तो लोग कहा था मोदी के, मोदी। तो मोदी से क्या फ़ायदा है, क्यों जो है मोदी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? सब लोग राय बा मोदी सरकार, लोग कहते मोदी के दिया ही वोट। हाँ, सबके तो राय से बोलवा। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शमसुल हक। शमसुल हक जी, जो है इस बार के चुनाव में आप लोग इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं, क्या माहौल है, क्या कुछ चल रहा है? हम लोग तो माहौल परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? सरकार में या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर नहीं, सरकार में। यहाँ तो तेजस्वी सरकार ठीक है, ललटेन छाप ठीक है, उसी को हम चाहते हैं। तो जो है ये परिवर्तन चाहते हैं केंद्र में, चूँकि यहाँ से RJD के महागठबंधन के विधायक हैं, तो उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। आपका क्या नाम है? नाम है भरोसी दास। भरोसी दास जी, इस बार क्या माहौल है, क्या चल रहा है चुनाव में? जो चल रहा है जो ठीक है चल रहा है। हम लोग मोदी जी का है, मोदी जी का ही वोट देंगे हम लोग। तो मोदी जी तो इस बार है नहीं चुनाव में, इस बार तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है तो उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं के जगह पर जब वही है तो वही उन्हीं को दिया जाएगा। नीतीश कुमार क्यों पसंद है? इसलिए कि जो वो गरीब का मसीहा है। हाँ, हमारे जो नहीं बनने वाला था 100 साल से जो मंदिर, वो वहीं बनवाए हैं। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? वही राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पे प्रभावी है, और यहाँ जो है राम मंदिर के नाम पे भी वोट किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पासवान। राजेंद्र जी, किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं लालू यादव का। क्यों लालू क्यों पसंद है? हमारे पसंद है। क्यों, क्या किया है आपके लिए? अरे सब कुछ किया है। तो अभी तो वो जेल में है। अभी जेल में है तो डॉक्टर साहब यहाँ पे है।
अच्छा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमीम अहमद उनके प्रत्याशी हैं, यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो इसलिए जो है ये उनके तरफ बोल रहे हैं। आपके क्या नाम है? हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोलिएगा, वोट देने जाइएगा? हाँ। तुम वोट देने जब जाइएगा तो कुछ तो कुछ ना कुछ तो जहन में रख के जाइएगा, किस तरह का सरकार बनाएंगे, किस तरह के नेता को चुनेंगे? नया सरकार चाहिए, बात इतने कहेंगे। क्षेत्र में नया चाहिए या स्टेट में? स्टेट में। यहाँ ठीक है, बदलाव है, यहाँ भी बदलाव चाहते हैं? नहीं, सेंटर में। यानी कि ये जो है राज्य में बदलाव चाहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे ठीक है। आपका क्या नाम है? रामकिशोर यादव। रामेश्वर यादव जी, रामकिशोर यादव जी, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है आपके यहाँ, आपके मन में क्या कुछ? स्टेट में बदलाव चाहिए, स्टेट में रश्मि यादव का सरकार होना चाहिए, यहाँ जो सरकार है वो अभी ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग, दोबारा इनको क्यों चुनना चाह रहे हैं? सब किसी को एक बराबर मानते हैं, वो अपने पार्टी को नहीं, हर आदमी को एक समान मानते हैं। तो राम मंदिर का मुद्दा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि राम मंदिर अभी जैसे एक साहब ने बताया कि जो है मोदी जी ने क्वेश्चन, हम कहेंगे कि जब ये राजतंत्र है ये नहीं है, मोदी जी राजतंत्र जैसे जाकर और वो काम किए अच्छा नहीं, तब राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। आप ये मानते हैं कि मोदी जी का जो डिसीजन हुआ वो अच्छा नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी तो डिसीजन नहीं लिए, ये तो कोर्ट का डिसीजन था ना? कोर्ट का डिसीजन ये ठीक है, कोर्ट ना वो ठीक बात, राजतंत्र खाने का दलान। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुरली मनोहर सिंह है। क्या क्या लग रहा है इस बार का माहौल आपके नजर? मोदी लगा सरकार ना रही तब ले ये हम का गुलाम हो गए रहती, सो नरेंद्र मोदी ना रहता तो ये सब चाइना पाकिस्तान के कब्जा कर ले रही। ये का कहते लड़ते लालू यादव लेखा छोटा बैमान चाहे तक को भैबे ना कहे आई जागरण भैया सबनी को बेराज मंडल कटिया में पूछ इतना लोग से ये खाली जात पर बहुत लोग लालू यादव हमारे जात है वन जात बड़ी। हाँ सुनी पहले कह दो तू कहला था नाम कुछ बोलनी हम हम हाँ हाँ मोदी ना रहतन देख 370 धारा चूर दिल राम मंदिर के बनवा दिल आँ नोटबंदी से जितना काला धन रहे तो उन सब ऊपर कर दिल आँ मुसलमान लोग कितना कितना काला धन आया, कितना काला धन आया मंडी में मान जान जी हमारा 10 रुपया रहे फैनों के जमा कहीं नहीं ना। उससे फायदा, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ना क्या? नोटबंदी नोटबंदी का धन निकल गए, पुरानका रुपया निकल गए। हाँ बुझे नहीं आई आई नीचे से मान साल भर से राशन फ्री देता रहो आए एक महीना कैसी लेता है कितना विकास बोल रहा है लालू यादव का। हम ये जानना आपसे ये चाह रहे हैं, आपके जहन में है कि मोदी जी ने जो नोटबंदी की उससे देश को फायदा हुआ, काला धन वापस आया, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से जो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ आए का है ना कुछ भाई? काला धन नहीं आया अब तक, अब तक लोग इंतजार में 370 370 धारा चुटल की भल इनका काला से नहीं जे 1 रुपया ना आया तोहरा काला से। यहाँ के तरह तरह के लोग हैं, एक मिनट धीरे 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 हाँ लालू यादव बैठने उठने के वह लूट सिखाया उनके पिछला बरक्का उनका रीजन में लालू यादव का रीजन में 100 टीचर स्कूल में ना रहे। क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जय मोदी जय मोदी। मोदी के शासन काल में विदेश नीति सफल रहा है, लेकिन अंदरूनी इंटरनल जो मामला है वो काफी फेल रहा है। बेरोजगारी के मुद्दा रहा हो, एक मिनट कोरोना यहाँ पे कहते हैं कि लॉकडाउन किया, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश वहाँ पे छुआछूत या कुछ नहीं, वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं बढ़ा? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जिंदगी में क्या बदलाव आया, क्या जो है आपका ये जो सबसे बड़ी इन्होंने बेरोजगारी कर दिया मोदी जी ने, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, विदेश नीति इनका भले सफल रहा और मुद्दे पर फेलियर है मोदी जी, फेलियर।
फेलियर है एकदम। हम कहते हैं मोदी विरोधी हैं और ये जरूरी है बदलाव का ये साधन। और नीतीश कुमार जो सत्ता के ये चाहते हैं कि बंधुआ हम लोग मजदूर हो गए हैं कि ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ये हम ही को वोट देंगे। हम लोग बंधुआ मजदूर यहाँ की जनता नहीं रहेगी। एक मिनट आपका क्या नाम है पहले अपना नाम? संजय कुमार सिंह। संजय जी ये बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि विदेश नीति बहुत अच्छी है मोदी सरकार की, पाकिस्तान को उन्होंने सबक सिखाया। पाकिस्तान को सबक नहीं, पड़ोसी मुल्क में अगर कोरोना का है तो बांग्लादेश पाकिस्तान वहाँ पे कोरोना महामारी क्यों नहीं फैला, क्यों हुआ? लॉकडाउन बढ़ाने से हमारे आर्थिक नीति GDP जो काफी चले गए इससे पीछे चला गया। लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव के मुद्दे हैं, अभी तो वर्तमान में विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। जो कोरोना के मुद्दा पे पूरा देश इसमें दहल चुका, बेरोजगारी का मुद्दा गया, महंगाई इसमें क्यों नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है? हम तो पूरा देश के मुद्दा की बात करेंगे ना। हम मोदी जी फेलियर, वो अंदरूनी मामला में एकदम देश को चौपट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, तरह तरह के लोग उनके अपने विचार हैं। आपका क्या नाम? हाँ, शंभू शरण प्रसाद नाम है, हम लालू विचार मंच के जिला अध्यक्ष हैं। लालू विचार मंच के जिला अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है आप लालू को ही समर्थन करेंगे, तेजस्वी को समर्थन करेंगे। आपका क्या नाम है? हम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? बाबुद्दीन खान। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या मन में चल रहा है? हम लोग तो चाहेंगे शमीम डॉक्टर का लगा। डॉक्टर शमीम को क्यों, डॉक्टर शमीम क्यों पसंद है? हमारे वही पसंद है, वही चाहते हैं। क्यों, मैंने क्या कुछ किया है? जो हमें भला बुरा जो करते हैं अच्छा करते हैं। हाँ, भला बुरा अच्छा करते हैं। और भी कुछ लोगों से बात, क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। क्या चाह रहे हैं इस बार के चुनाव में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन? मैं बेरोजगारी, बेरोजगारी परिवर्तन चाहिए, यानी बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए। हाँ। कौन सी सरकार आपको जो है बेरोजगारी से मुक्त कराई? तेजस्वी सरकार। क्यों? इसलिए पहले हम लोग शिक्षक थे, शिक्षा मित्र और लोक शिक्षक दोनों की बहाली एक साथ हुई, तो उन्होंने शिक्षा मित्र को कर दिया, हम लोगों को जो है ना रूट पे कर दिया। इसके वजह से हम नीतीश सरकार नहीं चाहते, हम तेजस्वी सरकार चाहते। नीतीश ने भी तो 15 सालों में बहुत सारे विकास किए हैं, तो फिर नीतीश क्यों नहीं? इसलिए हम हमारे साथ उस तरह का हुआ है, हम उनके सपोर्ट में नहीं है, सुरक्षित है, कहीं नहीं दिया गया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा शंभू प्रसाद हुआ। शंभू प्रसाद जी, इस बार के चुनाव में किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? मोदी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए, हम लोग मोदी को लाइक करते हैं, मोदी समर्थित पार्टी जो हो उसको वोट देना चाहिए, उसी के अंदर में हमारी रक्षा होगी, मान सम्मान बनेगी। हाँ, रायत को पसंद नहीं करते, जो तो सही पार्टी है नहीं। लेकिन देश में जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इकोनॉमी जो है तबाह हो गया है, तो उसको लेकर के विपक्ष जो है सरकार के निशाने पे है, को ले रही है। और लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव की बात है, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी का छवि जो है आपके लिए प्रभावी रहेगा? छवि मोदी जी का छवि यहाँ तो प्रभावित है, तो विश्व को माने के नेता हैं मोदी जी हमारे, ये प्रभाव बिल्कुल रहेगा। और समर्थित नीतीश जी को वोट देना जरूरी है, क्योंकि नीतीश जी के मोदी के नेतृत्व में और नीतीश जी के समक्ष में हमारे बिहार के विकास बहुत जोर से हो रही है, इसलिए राय। क्या विकास हुआ है? है? क्या विकास? क्या रोड, सड़क, मान सम्मान, रक्षा, सुरक्षा, सब कुछ हम देखे हैं। राज्य की सरकार देखे, उसमें सुरक्षा नहीं रहती है, तो दिन दहाड़े जाइएगा, घर में लूट आ जाइएगा, कहाँ रहिएगा, नहीं रहिएगा। इसलिए मोदी की सरकार। क्या करते हैं आप? हम तो किसान हैं, किसान जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। किसान हैं, नीतीश के कार्यों से खुश हैं और इसलिए नीतीश को चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनवार अहमद। अनवार साहब, इस बार के चुनाव में क्या इरादा है? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, यानी डॉक्टर शमीम साहब को बदलना है? ना ना, सेंटर में बदलना है, हम नया सरकार चाहते हैं। सेंट्रल में तो, सेंट्रल का चुनाव तो बाद में होगा, अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव। हाँ, स्टेट चाहते हैं, तेजस्वी को चाहते हैं, सरकार बनना चाहिए, तेजस्वी सरकार बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की लोग जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल जी, चुनाव का माहौल है, क्या कुछ लग रहा है इस बार, किस तरह की सरकार बननी चाहिए? माहौल है, माने मोदी जी जो कर रहे हैं हम लोग के लिए बहुत सुंदर कर रहे हैं, और उनका सरकार बनना जरूरी है ना। अच्छा भाई, कितना नेता लोग आया, हम अपने जीवन में
आज तक कितने नेते लोग को हम देखे हैं जो राम मंदिर बनाने के लिए सब वही बोर्ड बनाया गया था, आज वही बोर्ड तूर कर हिंदू के लिए कल्याण किए हैं। बस हमें यही कहना चाहते हैं, मतलब राम मंदिर बन रहा है इसलिए आप मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन ये राम मंदिर को तो जो है कोर्ट के फैसले के बाद जो है बनाने का निर्देश, इतना दिन से कोर्ट कहाँ थी, जो कितना पार्टी आया कितना पार्टी गया, मुद्दा उसी पर था, मुद्दा उसी पर मनाया गया था, खूंटा उसी पर हलाया गया था, हम एक करेंगे वो करेंगे, किसी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो विधानसभा चुनाव की बात है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या फिर कोई चिराग पासवान है, तो ऐसे लोगों को चुनना है, तो बिहार में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बिहार में तो नीतीश बाबू हैं, उनके समर्थन में हमको जो कुछ मिल रहा है बहुत सुख शांति से मिल रहा है। नीतीश बाबू पे अब भी इनको भरोसा है? कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? चुनाव में इस बार जो है क्या कुछ इरादा रख रहे हैं? हमारा तो वोट नहीं है नहीं कोई के। क्यों 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 नहीं वोट देना? यहाँ का पंचायत खराब बा। पंचायत से क्या शिकायत? मैंने मानता नहीं कि और यहाँ का धन बा है, हम मांगिए के कहने कि अरे खादर माटी धरे के बाद आ तो वो धन घर आता तो क्या वो मुखिया सरपंच आप विधायक वोट दे ला? मैंने मुखिया पंचायत तो मुखिया और सरपंच से आपकी शिकायत होगी, विधायक से क्या शिकायत है? विधायक में जो है किस क्या बदलाव चाहते हैं और बिहार में किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं? वैसे तो हम साफ कह दें ना वोट कोई के दे हैं आना कुछ हो। ये जो बुजुर्ग हैं ये स्थानीय जो नेतागण हैं उनसे ये दुखी हैं, इसलिए जो है इस बार के चुनाव में जो है वोट ही नहीं देने का देना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? किशोर। किशोर जी, क्या चुनाव का माहौल कैसा है? ठीक है सर। किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं? सर अच्छे है, जिस तरह लोग चाहे होते हैं, लोग जो जिस तरह से चाहेगा उस तरह, लेकिन जो है आप क्या चाहेंगे? वोट तो आपको देना है ना। हाँ देगा, दिया जाएगा, ये बात तो नहीं, दिया जाएगा। क्या सोच करके दीजिएगा, कैसा नेता चुनिएगा? अच्छा चीज चुनिएगा जी। तो ये अपने पत्ते साफ नहीं कर रहे हैं कि जो है किस तरह की बात हो, किस तरह के अपना जो है नेता चुनना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप भी आ जाइए ना भैया, हम ना। अच्छा नहीं बोलेंगे। मैं बताना यही चाहता हूँ कि बहुत कोई बोलता है कि राम मंदिर से हम लोग युवा हैं, हम लोग का कोई रोजी रोटी नहीं चलेगा, पूरा रेलवे प्राइवेट हो गया, हम लोग बैंक पूरा मर्ज हो गया, हम लोग के लिए कुछ नहीं बचा है। नीतीश कुमार है तो पलटू राम है, हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़े हैं। तेजस्वी हैं, कुछ आएंगे तो कोई नया कार्य करेंगे, जैसे अभी बोले हैं कि 10 लाख मेरे सरकार बनते 10 लाख का बच्चों का नया बहाली होगा, तो हम लोग तेजस्वी को इसलिए चाहते हैं कि तेजस्वी आए, हम लोग को बहाल करें, हम लोग कोई नया कार्यकाल। क्या करते हैं आप, क्या अभी क्या स्टूडेंट हूँ? मैं स्टूडेंट पढ़ता हूँ, बीएससी करता हूँ मोतिहारी में, शांतिपुरी में रहता हूँ, मेरा नाम मिस्टर राजू कुमार हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग RJD के वोट दें और नया सरकार बदले। 5 साल के बाद सरकार को बदलना बहुत जरूरी चीज़ है, सरकार बदलते रहती है तो कुछ नया कार्य होता है। पलटू राम है 15 साल से हैं, कुछ बिहार में मेरे समझ से कुछ नया कार्य नहीं हुआ है, बिहार में कुछ इस तरह का कार्य नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? आप भी अपनी राय रखिए, युवा है। शशिभूषण। शशिभूषण जी, किस तरह की सरकार चाहते हैं इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सरकार जो थोड़ा बदलाव करे, जैसे कि मतलब शिक्षा में अभी जो क्या कहते हैं वो अभी सरकारी स्कूल में ऐसी समस्या चल रही है कि मतलब टीचर तो है लेकिन पढ़ा नहीं रहे किसी को, मतलब बच्चे तो जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, कोई पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था हो नहीं रही, तो मतलब ऐसा सरकार चाहिए जो मतलब पढ़ाई की व्यवस्था कराए अच्छी तरह से, और जो स्टूडेंट का मतलब जो है कि कुछ फ़ायदा मिले पढ़ाई से। और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से हम लोग को अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि अभी जो सब प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या किए हैं कि सब निजीकरण कर रहे हैं, तो निजीकरण की वजह से हम लोग को तो कुछ ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा क्या कहते हैं वो नौकरी पाने के लिए, तो इसलिए चाहते हैं कि कुछ बदलाव किया जाए। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले हो रहे हैं, निजीकरण वगैरह का मामला जो है बिहार में, नीतीश गवर्नमेंट है और तेजस्वी एक तरफ हैं और चिराग पासवान और दिगर पार्टियां जो है भी है मैदान में, इस बार इनमें से किन पर भरोसा आपको दिख रहा है कि कौन से लोग जो है अच्छा करेंगे?
भरोसे की बात तो नहीं है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई के मामले में खुद हम लोग को भी थोड़ा सहायता मिले, हम लोग कुछ आगे बढ़े, कुछ बन सके, बस यही काम चाहिए। और कोई कोई गवर्नमेंट हम लोग से कोई मतलब नहीं, बस चाहिए कि मतलब विकास हो। धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे को भी यहाँ लोग कुछ आधार बना करके सपोर्ट कर रहे हैं या विपक्ष में हैं, तो इन मुद्दों से के का जो है आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है और आप लोग इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इस मुद्दे के लिए यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि मतलब वो अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह और विकास अपनी जगह है ना, बस यही और कुछ नहीं। तो इस तरह से नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के नरकटिया बाज़ार पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग राम मंदिर को भी अपने ये में जहन में रख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, उससे उनको कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। तो लोग कुल मिलाकर के यहाँ पे लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, और आने वाले समय में क्या कुछ होगा, अब जो प्रत्याशी हैं वो जब इनका क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोगों को अपनी बात बताएंगे, उसके बाद की परिस्थितियां किस तरह से बनेंगी ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी जो माहौल है वो हमने आपको लोगों से, यहाँ के लोगों से बात करके बताने की कोशिश की कि जो है किस तरह का विचार लोग रख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।